हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ, और सब्जेक्ट मैथ में जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसको हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, और लिंक पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल ओपन करिए, चैनल पर आपके क्लास के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियो को स्टेप बाय आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपके चैप्टर के जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको क्या करना, हमको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट से लेके 7 क्वेश्चन है टोटल, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें हमको करना क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, और उन्हीं दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखो, इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जो मैं इससे पहले वाली वीडियो बताया हूँ, अगर वो देखा होगा तभी इसको सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं इसके दो फार्मूला बताए थे, अगर वो फार्मूला आपको पता रहेगा तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी तक आप पिछली वीडियो इससे रिलेटेड नहीं देखे हैं तो आप क्या करिए, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए कि वहाँ पर वो दोनों फार्मूला क्या है, और आपको अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व तो ही कराऊँगा ही, और अगर आप एक बार देख लेंगे तो और अच्छे से भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए आपका ए एंड बी क्या है, रेशनल नंबर दिया गया है, और इसी रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर बताना है पहले क्वेश्चन में। मैं क्या करूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको मैं केवल आंसर बताऊँगा, क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल गया, तो चलो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम क्या किए हैं, एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट डी है उसको हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके ऑल आंसर, हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं केवल सभी का आंसर देंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपका दिया गया था, पहले क्वेश्चन में गिवन है एक ए और बी का, ए और बी आपका रेशनल नंबर है, जो दोनों का मान दिया गया, और इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एक ही रेशनल नंबर बताना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बी नो दैट, हम जानते हैं रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, मतलब जितने भी रेशनल नंबर की हमको आवश्यकता है। तो देखो ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका फार्मूला है, यही आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे आपको क्या करना है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको क्या करना, एक रेशनल नंबर बताना है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले पे ए और बी का मान रख कर हम क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका फार्मूला है 1/2, और ए का मान मैंने क्या किया, 1/5 रख लिया, प्लस ए बाई फोर, ए आपका हो गया जो क्वेश्चन दिया गया था, ए और बी का मान पुट कर लिए। अब देखो हमको क्या करना है, ए बाई फाइव प्लस वन बाई फोर, इसको हमको क्या करना, सॉल्व करना है। आपको पता है इसको हमको क्या करना, एडिशन करना, इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं, 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और कैसे निकाला जाता है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल कराएंगे, 1/2 ब्रेकेट में 1/5। अब बताओ 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ें कि 20 आ जाए, आपको पता है 5 का टेबल जब हम 4 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आता है, 20 आता है।
4 से क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/4 है। अब बताइए 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 20 आ जाए, तो हमको पता है 5 टाइम जब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आता है, 20 आ जाएगा। तो 5 से क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्या किए, यहाँ पर आपका देखो जो डिनोमिनेटर था इक्वल करा लिए 1/2 ब्रेकेट में 4/20 प्लस 5/20। अब देखिए आपका जो डिनोमिनेटर था सेम हो गया, और सेम होने की वजह से हम क्या करते हैं 1/2 केवल हम न्यूमिनेटर को ऐड कर लेते हैं, तो 4 में जब 5 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 के टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 20 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 40, और यही आपका क्या हो गया, पहला रेशनल नंबर, मतलब ए 1/5 एंड 1/4 के बीच में ए आपका एक रेशनल नंबर बताना था। तो हमने क्या किए, इस रेशनल नंबर को फाइंड कर लिए, और कैसे फाइंड किए, यही जो आपका फार्मूला है इसी फार्मूला को हमको क्या करना है, रखना है इसी पे वैल्यू, और इसके बाद सब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको देखो जो आपका उसी क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, सी वाला। तो देखो फर्स्ट का जो सी का, जो फर्स्ट का सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका गिवन में दिया गया है, गिवन में ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया है। ए का मान है -5/6 और बी का मान है -2/5। अब क्या करना है, बी नो दैट हम जानते हैं रिक्वायर्ड रेशनल नंबर ए आपका क्या है, फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे ए और बी का मान पुट कर दीजिए। देखो 1/2 ब्रेकेट में ए का मान कितना हो जाएगा, -5/6 प्लस -2/5। ए आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दो रेशनल नंबर, जो ए और बी का मैंने मान पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो आपका 1/2 है, 1/2 है ब्रेकेट में -5/6। अब हमको पता है प्लस और माइनस क्या बनता है, -2/5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हम क्या किए हैं, 1/2 ब्रेकेट में -5/6 -2/5। अब देखो इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो डिनोमिनेटर देखो ये यहाँ पर क्या है आपका, डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालनी है तो एलसीएम कितना आया, 30 आया। कैसे निकाला जाता है ये आपको मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ। अब क्या करेंगे, 1/2, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे -5/6, और सिक्स का टेबल कितनी बार पढ़ें, 30 आ जाए 5 टाइम। तो 5 टाइम से हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस लिखेंगे 2/5। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 30 आ जाए। आपको पता 5 का टेबल जब हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो 30 आता है। तो 6 से हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो 1/2 ब्रेकेट में -25, नीचे क्या हो जाएगा 30, -12, इसके बाद आपका हो जाएगा 30, ब्रेकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू, अब ये देखो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे और माइनस माइनस को क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे, मतलब 20 -25 और -12 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, -37। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 37 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और 30 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो हमने क्या किया, माइनस का सिंबल लगा लिया। क्लियर है? तो अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बचेंगे उसको आपको क्या करना है, स्वयं सॉल्व करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको करना है कि फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 2। अब दो रेशनल नंबर दिया गया, एक -2 है और एक आपका 2 है, इसके बीच में आपको दो रेशनल नंबर बताना है। तो दो रेशनल नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जब भी आपको एक से ज़्यादा रेशनल नंबर को फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, पहले टाइप वाले रेशनल, जो पहले टाइप के फार्मूला है उसको आप नहीं यूज करोगे, जो मैं आपको दूसरा बताया था उसी फार्मूले को आपको यूज करना है, चाहे आपको 10 निकालना हो, चाहे 15 निकालना हो, या 6 निकालना हो रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में आपका गिवन में दिया है ए का मान है -2 और बी का मान है 2। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, कह रहा है कि ए जो है, ए जो बी है, बी इज़ ग्रेटर देन ए। आपको हमेशा पता रहना चाहिए जो बी रहेगा वो बड़ा रहेगा किससे, ए से।
क्लियर है। इसके बाद देखिए टू फाइंड रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, मतलब जितने भी रेशनल नंबर की हमको नीड होगी तो हम उसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कैसे करेंगे, एक Q1 मानेंगे और Q2 मांगेंगे। और क्वेश्चन में कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, दो रेशनल नंबर फाइंड करना। तो वी नो दैट, हम जानते हैं ये आपका फार्मूला है। तो Q1 इज इक्वल टू 1/2 ब्रेकेट में 1+b, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो अब इस फार्मूले पे हम क्या करते हैं, ए और बी का मान रख लेते हैं। देखो 1/2 ब्रेकेट में -2 + 2। अब आपको पता है जब आप -2 और +2 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो जैसे ज़ीरो आएगा तो हम जानते हैं जीरो का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आ जाएगा। तो Q1 कितना आ जाएगा आपका, Q1 का मान आ गया 0। इतनी बात समझ में आया, आ गई होगी आपको कि कैसे निकाला जा रहा है। इसके बाद देखो Q2 कैसे फाइंड करना है। याद रहे जब हम Q2 को निकालेंगे तो फार्मूला उसमें क्या बनेगा, ये जो आपका 1/2 है तो यहाँ पर जो A आया था, ये जो A आया था अब A गायब हो जाएगा, A के स्थान पे हम क्या करेंगे, Q1 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो Q1 आ जाएगा। ऐसे अगर हमको Q3 निकालना है तो जब हम Q3 निकालेंगे तो A के स्थान पर हम Q2 रखेंगे, Q2 का मान जो आया रहेगा। क्लियर है, ये आपका हो गया। देखो दूसरे रेशनल नंबर को कैसे निकाला जाता है, ये उसका फार्मूला 1/2 ब्रेकेट में देखो Q1 का मान कितना है, 0, और आपका B का मान दिया ही ऑलरेडी 2। तो हमको पता है जब 0 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। और जब हम 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 2, और नीचे आपका 2, और आपको पता है 2 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, और Q2 का मान कितना आ गया, 2। तो उम्मीद करते हैं आपको दो रेशनल नंबर पता चल गया होगा कि अगर -2 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना तो आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा 0/2, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 0, और दूसरा आपका हो जाएगा क्या, 1। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -7/2 एंड -2। क्लियर है, इसके बीच में हमको क्या करना है, 3 रेशनल नंबर बताना था। ये देखो कैसे बताया जाएगा, इसी फार्मूले का यूज करेंगे जो अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ। तो हमने क्या किए, गिवन में दिया गया है, ए का मान दिया है 7 - 7/-2 एंड बी का मान दिया है -2। यहाँ पर वही कंडीशन आपको हमेशा फॉलो करना है कि बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब जितना भी रेशनल नंबर रिक्वायर्ड है हमको जितना फाइंड करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक Q1 मानेंगे, एक Q2 मानेंगे एंड Q3 मानेंगे। तो हमको कितना निकालना था, 3 रेशनल नंबर निकालना था 7/-2 एंड बी के बीच, बी का मान कितना है, -2, इसके बीच में हमको 3 रेशनल नंबर बताना है। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले हम Q1 का मान निकालते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q1 कैसे निकाला जाएगा, 1/2 a + b, ए आपका हो गया Q1 का फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे आपको क्या करना है, ए और बी का मान रखना है 1/2 ब्रेकेट में -7/2 + फिर ब्रेकेट लगाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करना, ध्यान देना, 1/2 ब्रेकेट में -7/2, अब आपको पता है प्लस और माइनस क्या बनता है, -2। अब हम क्या करेंगे, 1/2 - 7/2, फिर -2 नीचे 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमीटर इक्वल करा लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 2 में 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और न्यूमिनेटर और डिनोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रेकेट में -7/2, फिर -4/2। क्लियर, अब देखो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1/2 × अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम क्या करेंगे, 7 में और 4 ऐड कर देंगे 11, और सिंबल किसका, माइनस का, और नीचे कितना, 2 है। अब 11 का टेबल 1 टाइम पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 11, और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर देखो माइनस लगा तो यहाँ पर आपका हो गया -11/4। ए आपका हो गया Q1 का मान। हमको क्या पता चला, पहला रेशनल नंबर हम निकाल लिए। अब हम दूसरे रेशनल नंबर को निकालेंगे। तो देखो कैसे दूसरे रेशनल नंबर को निकाला जाता है। दूसरे रेशनल नंबर का फार्मूला क्या होता है, Q2 = 1/2। अब वहाँ पर A आ रहा था तो A के स्थान पे हम क्या करेंगे, Q1 का मान रखेंगे +b, बट b कभी भी चेंज नहीं होगा। A आपका Q2 का फार्मूला
हो गया। अब इसको क्या करिए, आप Q1 और B का मान पुट कर दीजिए 1/2। Q1 का मान हो गया -11/4 प्लस, और B का मान हो गया -2 ब्रेकेट क्लोज। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 -11 फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो 4 से यहाँ पर जब नीचे 1 है तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा 4। और 4 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। इसके बाद देखो 1/2 -11/4 फिर -8/4 ब्रेकेट क्लोज। अब देखो डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। तो देखो हम सेपरेट करते हैं 1/2 इंटू माइनस, माइनस क्या होता है प्लस, जब हम 11 और 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19, और सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का। और जब हम 19 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाते हैं, माइनस लगा दें तो यहाँ पर हो गया 19/8, ये आपका हो गया Q2 का मान। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, Q3 का मान निकालेंगे। तो देखो Q3 का मान कैसे निकाला जाएगा, Q3 का मान जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Q3 1/2 यहाँ Q2 प्लस बी, ये आपका हो गया Q3 का फार्मूला। अब इस पर क्या करिए, Q2 और B का मान पुट कर दीजिए 1/2 -19/8 प्लस और माइनस, देखो यहाँ ब्रेकेट में B का मान क्या हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे, 1/2 -19/8 प्लस और माइनस क्या होता है, -2/1। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे तो हम जानते हैं 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 8 से हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसके बाद आपका है 1/2 -19/8 -16/8। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को ऐड या सेपरेट कर लेते हैं, जो भी दिया जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, तो हम क्या करेंगे 19 और 16 को ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, तो सिंबल किसका लग जाएगा, माइनस का। तो इसके बाद डिनोमिनेटर कितना है 8। अब 35 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 35 हो जाएगा, और 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 16 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए आपका हो गया Q3। तो हमने क्या किया, जो हमको 3 रेशनल नंबर निकालना, तो हमने क्या किए, तीनों रेशनल नंबर को फाइंड कर लिए, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, अब देखिए यहाँ पर जो आपका है, हमने क्या किया है, क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको हम क्या किए हैं, 2 बार सॉल्व कर दिए हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलती से हम क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को 2 बार सॉल्व कर दिए हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इसको आप स्वयं करिएगा, बहुत ही ईजी है, एक आपको होमवर्क दे रहे हैं। कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या करना, फाइंड द 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and -1/2। इसमें क्या करना, -1 और -1/2 में आपको 4 रेशनल नंबर बताना है, जैसे मैं अभी आपको पीछे बताया हूँ 3 वाले क्वेश्चन में। सेम आपको क्या करना है, एक Q4 रख देना है, और उसी पे सिमिलरली जहाँ पर आपको मैं बताया हूँ, केवल आपको Q1, Q2 और Q3 का मान ही चेंज होगा। जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे Q1 का मान आएगा, तो आप जैसे Q2 निकालेंगे तो वहाँ Q1 का मान पुट हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप क्या करिए, सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, मैं उसको फिर से बता दूंगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए क्या करना है, 6 रेशनल नंबर बताना है -1 and 0। इसके बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो चलो हम क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर देखो गिवन में दिया गया है, ए का मान हो गया -1 और बी का मान है 0। टू फाइंड द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, 6 निकालना है, तो Q1, Q2, Q3,
Q4, Q5 एंड Q6 इसको आपको क्या करना है, स्वयं लेट करना है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, Q1 का मान फॉलो करते हैं। Q1 का मान फाइंड करते हैं। तो जब हम Q1 का मान फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रेकेट में a प्लस बी। अब इसी पे क्या करिए, a और b का मान रख दीजिए। जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 1/2 ब्रेकेट में a का मान -1 और b का मान 0, और इसको हम सॉल्व कर देते हैं 1/2, और इसके बाद हमको पता है 0 माइनस 0 और -1 प्लस 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, -1 और नीचे 2 है, ये आपका हो गया Q1 का मान। तो पहला रैशनल नंबर हमको पता चल गया, क्या आ गया, -1/2। अब ऐसे हम क्या करते हैं, Q2 का मान निकाल लेते हैं। तो Q2 का मान जैसे हम निकालेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, Q2 1/2 Q1 प्लस बी। अब देखिए 1/2 ब्रेकेट में Q1 का मान निकाले थे -1/2 प्लस 0। अब हम जब इस -1/2 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, -1/2। अब हम 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 1, और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4, और यहाँ माइनस लगा है तो हम क्या करेंगे, -1/4। ये आपका सेकंड रेशनल नंबर फाइंड हो गया। ऐसे हम थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। देखो थर्ड रेशनल नंबर को जब फाइंड करोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू 1/2 ब्रेकेट में Q2 प्लस बी। अब देखो हम क्या करेंगे, 1/2 Q2 का मान कितना है, -1/4, तो -1/4 प्लस 0। अब जैसे हम -1/4 प्लस 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू -1/4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा Q3 का मान आ जाएगा -1/8। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, Q4 का मान निकालेंगे। तो देखो Q4 का मान कैसे निकाला जाएगा, Q4 इक्वल टू 1/2 ब्रेकेट में Q3 प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, Q3 का मान रखेंगे और b का मान रखेंगे, 1/2 ब्रेकेट में -8 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 0। अब देखो 1/2 जैसे हम -1/8 प्लस 0 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -1/8। अब 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 8 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे 16 आ जाएगा, और Q4 का मान पता चल गया क्या हो जाएगा, -1/16। अब हम क्या करेंगे, Q5 निकालेंगे। तो Q5 निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, सब में फार्मूला चेंज हो रहा है, Q5 इक्वल टू 1/2 ब्रेकेट में Q4 प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, Q4 प्लस बी का मान रखेंगे, 1/2 ब्रेकेट में -1/16 प्लस 0। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू, जैसे हम -1/16 में 0 ऐड करेंगे तो -1/16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस का सिंबल लगा देंगे, और 16 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 32 हो जाएगा। ये आपका हो गया Q5 का मान। इसके बाद हम क्या करेंगे, Q6 का मान निकालेंगे। तो देखो इस प्रकार के फार्मूले को हमको यूज करना है। तो Q6 का क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रेकेट में Q5 प्लस बी। अब क्या करेंगे, Q5 प्लस बी का मान रखेंगे, 1/2 -1/32 Q5 का मान हो गया प्लस 0। जैसे हम 1/2 इंटू -1/32 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/32। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1, सिंबल किसका है, माइनस हम लगा देंगे, प्लस और माइनस क्या बनता, माइनस 32। 32 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 64। तो Q6 का मान कितना हो जाएगा, -1/64। तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5th को हम क्या किए, पूरा सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इंसर्ट द 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। इसके बीच में आपको क्या करना है, 10 रेशनल नंबर आपको बताना है। इसके दो मेथड होते हैं, तो आप दोनों मेथड को यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। देखो कैसे करना है, आप क्या करिए, आपको गिवन में दिया है a का मान -3/11 एंड b का मान 8/11। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, डिनोमिनेटर सेम है। फाइंड रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, जो मैं आपको दो टाइप बताया था उसको नहीं यूज करना है आपको, उसी बुक में आपको अल्टरनेटिव
मेथड दिया है तो उसको यूज करेंगे। इसको आप क्या करिए, इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या करिए, पहला मेथड देखिए, -11 -3/11 एंड 8/11, इसके बीच में हमको 10 रेशनल नंबर निकालना। तो हम क्या करते हैं, 11 11 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा 10 रेशनल नंबर जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना लिख देंगे। अब देखिए दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, -3 और 8 के बीच में जब आप इसके बीच में देखेंगे तो आपको 10 रेशनल नंबर मिलेगा। तो उसी को क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ लिख देना है -3 और 8/11 इसको छोड़कर, और बीच में जो नंबर दिए हैं तो -3 के पहले क्या आता है, -2, -2 के पहले क्या आता है, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, ऐसे हम क्या करेंगे 7 तक लिख लेंगे और डिनोमिनेटर सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना 11। तो इस प्रकार से हम क्या किए, जो आपका छठा क्वेश्चन था और छठे क्वेश्चन में 10 रेशनल नंबर निकालना था, हमने क्या किया उसको भी निकाल लिया। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसमें आपको क्या करना है, 100 रेशनल नंबर निकालना है। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया भी गया है, क्या दिया गया है ध्यान देना, इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13, इसके बीच में आपको क्या करना है, 100 रेशनल नंबर बताना है। तो दैट्स वेरी इजी, आपको इस दोनों क्वेश्चन में आपको दोनों टाइप के फार्मूलों का यूज नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ध्यान से सुनिए कैसे निकालना है, हम क्या करेंगे, गिवन दैट में लिखेंगे -3/13 एंड 9/13। अब इसके बाद हमको कितने रेशनल नंबर निकालना है, 100, तो हम कैसे निकालेंगे ध्यान देना, यहाँ पर -3 -3/13 9/13, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 10 से दोनों रेशनल नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या एक नया रेशनल नंबर मिल जाएगा, -13/130 एंड 19/130। अब हमको क्या करना है, इसी दोनों के बीच में जो 100 रेशनल नंबर निकालना है वही लिख दो, बट याद रहे जो -30/130 है इसको काउंट नहीं करना है, जैसे कि हम देखो यहाँ पर लास्ट में लिख दिए हैं, इन दोनों को आपको काउंट नहीं करना है। और यही बीच में हम पूरा नहीं लिखे हैं, डॉट डॉट का मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर बीच में जो और रेशनल नंबर नहीं लिखे हैं वो रेशनल नंबर यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो हमने क्या किए, जितने भी आपका एक्सरसाइज जो लास्ट थी फर्स्ट डी में जितने क्वेश्चन दिए गए थे सभी क्वेश्चन को हमने क्या किए, अच्छे तरीके से फार्मूले पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं किया हूँ उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड को भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम चलिए स्टूडेंट मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।